ज़ाती स्टाफ आ सकेगा ना मेहमान और सिक्योरिटी गार्ड्स। पार्लियामेंट हाउस में अरकान के स्टाफ, मेहमानों और सिक्योरिटी गार्ड्स के दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की हदूद में असलहा लाने पर भी पाबंदी लगा दी। फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस किया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन महाज गर्म होने लगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद तहरीके इंसाफ भी मैदान में आ गई। मुराद सईद ने जोशीले खिताब में कहा, कप्तान ने अमरीका को अड्डे देने से इनकार किया तो पर्ची शहजादा अमरीका जा पहुंचा। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की बारिश होती थी। बारियां लेने वालों ने क्या सहूलियात दी, गुरबत के खात्मे के लिए क्या किया? अली अमीन गंडापुर बोले, डाकू नानी कश्मीरियों के साथ मजीद धोखा नहीं कर सकती। मरियम नवाज आज कोटली में मतवालों का लहू गरमाएंगी, जलसे से खिताब करेंगी। लीगी नायब सदर का कहोटा समेत जगह जगह इस्तकबाल। कहोटा बाजार में खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी को खिराज तहसीन। नवाज शरीफ का बेटी को टेलीफोन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर बात की। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत मुसलसल मदाखलत कर रही है, इंतखाबात शफाफ हुए तो नून लीग जीत जाएगी। सिंध में भारतीय कोरोना के 35 केसेस सामने आ गए। लियारी के एक ही खानदान के 5 अफराद मुतासर, 4 की हालत नाजुक। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं, भारतीय वायरस से बचाना मुश्किल है। कोयटा और तुर्बत में भी डेल्टा की एंट्री। महकमा सेहत बलोचिस्तान की तस्दीक, बताया कोयटा के 11, तुर्बत के 5 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। वायरस कराची से मुंतकिल हुआ। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और बड़ी खेप पाकिस्तान आने को तैयार। 20 लाख साइनोवैक डोज आज इस्लामाबाद पहुँचेंगी। सिंध में पूरा हफ्ता मानसून बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद और बदीन में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PMDA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। और खून के कैंसर में मुब्तला ओलंपियन नवीद आलम लाहौर में इंतकाल कर गए। नवीद आलम की गुज़श्ता रोज़ कीमोथेरेपी हुई थी, दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। नमाज जनाजा आज रात 10 बजे शेखुपुरा में अदा की जाएगी।